पापा मुझे टॉय दे रहा है। टॉय? बेटा पागल हो गए हो क्या? अभी ईद गुजरी है, इतने खर्चे हुए हैं पापा के, तुमने नहीं देखा तुम्हारी मम्मा को 3 दिन के 3 सूट दिलाए, उसके बाद तुम लोगों के कपड़े दिलाए, फिर इतने मेहमान आए उनके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आया, फिर ससुराल और जहाँ जहाँ जाओ केक लेके गया। बेटा पैसे नहीं है अब मेरे पास। तो ठीक है मैं अपने ईदी से ले लूंगा। अच्छा मतलब अब आप अपनी ईदी के भरम कराओगे मुझे, ये नहीं पता तुम्हें ये ईदी क्यों मिली है? बेटा ये इसलिए मिली है क्योंकि मैंने दूसरे के बच्चों को ईदियाँ दी हैं। किसी ने किसी को भी ईदी दी हो, बच्चों की ईदी सिर्फ माओं की होती है। यार ये रूल किसने बनाया है? क्या माएं ईदी ले लेंगी, बाप को क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि बाप ने खर्चा किया है। बताएं भाई आप लोग बताएं, दिला रहे हैं या फिर चलो बेगम तुम कह रही हो तो दिलाई देता हूँ। गुड बॉय, आओ बेटा चलो। ना यार एक तो ईद के 10वें दिन आ रहे हो तुम लोग, ऊपर से ईद ऐसे मिल रहे हो जैसे फर्स्ट डे ऑफ ईद हो आज। अरे तो हम नहीं थे ना यार, अब आ गए हैं तो अभी हमारी ईद है ना यार। भाई ईद खत्म हो गई ना, अब आ गए हो जरूरी ईद मिलू, चौथे दिन आ रहे हैं तब ईद मिल रहा है, 5वें दिन 6वें दिन 10वें दिन। मिलने से प्रॉब्लम क्या है तुझे? यार मुझे नहीं मिलना, मुझे एलर्जी है, खत्म हो गई बात। अच्छा छोड़ना अभी, घर में नहीं बैठ रहे, बाहर चलते हैं चाय पीने, आ जा। से ईद नहीं मिलोगे भाई? भाई मुबारक मुबारक मेरी ईदी भाई, ये लो। हाँ कैमरे तो लगे हुए, सीसीटीवी फुटेज तो निकाल के शेयर करोगे, गाना तो डाल दिया, आज फिर मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। सुने आज एटीएम से ना 10,000 रुपए निकालते हुए ले आई। 10,000 रुपए? लेकिन क्यों बेगम? मुझे ना सूट लेना है। सूट? अरे बेगम तुम्हें क्या हो गया है, अभी तो ईद गई है, 3 की जगह मैंने तुम्हें 4 सूट दिलाए, क्योंकि तुम कह रही थी अगर गंदा हो गया तो मैं चौथा पहन लूंगी। इसके अलावा उसके मैचिंग की सैंडल, मैचिंग की लिपस्टिक, मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग का पता नहीं क्या क्या दिला दिया तुम्हें, अब सूट क्यों चाहिए? बोल दिया, अब मैं बोलूं? ईद गई है तो शादियों के सीजन आ गए हैं, क्या मैं ईद के कपड़े शादियों में पहनूंगी? और वैसे भी मेरी दोस्त के कजन के मामू की बेटी की शादी है, मतलब आप ये समझते हैं आपकी बीवी पुराना सूट पहन के जाएगी शादियों में? डू यू रियली थिंक कि मैं पुराना सूट पहनूंगी, वो भी पहने हुए अपने? ईद गई है तो शादियों का सीजन आ गया, शादियों का सीजन खत्म होगा तो बकरीद आ जाएगी। यार ये मर्द क्या करे, क्या पेड़ों से पैसे तोड़े? मैं तो कह रहा हूँ मारो यार मुझे मारो। रुके रुके मरने से पहले मुझे 10,000 तो दे दें। बॉस वो 6 बज गए, मैं निकलूं क्या? बस 6:01 हुए और घर जाने की पड़ गई, अभी 4-5 छुट्टियां मिली थी ईद की, क्या करोगे घर जाके? भाई जाओ जाके काम करो। ओके बॉस। ईद की छुट्टियों में पानी नहीं पिया, अब यहां पी के टाइम जाया करोगे? चलो काम करो। ओके बॉस। कहां जा रहे थे? अभी ईद की 4-5 छुट्टियां गुजरी है, घर पे वॉशरूम नहीं गए, बस यहाँ आना है और टाइम जाया करना है, चलो काम करो। बॉस वो अब तो ईद के भी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, मैं वो कह रहा था कि 30,000 में बॉस गुजारा नहीं होता, अगर सैलरी थोड़ी बढ़ जाती थी। बढ़ जाती? अभी 4-5 दिन बिस्तर तोड़कर साहब आ गए हैं ऑफिस और आज इनको पैसे बढ़ाने की पड़ गई है, हैं? ऑफिस में काम करने के बोल दो तो मौत पड़ जाती है। मैंने ईद की छुट्टियों के पैसे काटे नहीं ना, तो बढ़ाने की बात कैसे कर सकते हैं आप मुझसे? और अभी 4-5 दिन आराम करके सुकून से। चुप! ईद की छुट्टियां, हमारी छुट्टियां थी खाली, आपकी नहीं थी क्या? हमारी छुट्टियां बुरी लगती हैं बॉसेस को, क्यों भाई? आपने जाके आराम नहीं किया, आपने जाके मजे नहीं किए और हमारा हक नहीं खाया, ईदी तो दी नहीं है आपने, हमारी छुट्टियों पे मसले आ गए, हमारी छुट्टियों पे रोना शुरू कर दिया। ईदी तो मैं आपकी लाया हूँ भाई, आप तो नाराज हो गए। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया।